हेलो हेलो, गुरजीत बोल रहे हैं। मेरे जीजे जी हालत बिगड़ती जा रही है। क्या जसवंत की तबीयत खराब? तो सिलाजों ने जल्द से जल्द ऐसे भेज दियो, मेरी विनती है। अच्छा गुरजीत, मैं जल्द से जल्द लाजवंती को लेकर वहां आता हूँ, ठीक है? ठीक। ये तो क्या कर रहा है रणवीर? आज लाजवंती की इस घर में पहली रात है और तू भूल गया कि रेखा ने क्या कहा था? लाजवंती मेरे घर की बहू तो बन गई, लेकिन मैं उसे कभी उसे की पत्नी बनने नहीं दूंगी। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना। नहीं नहीं, अगर मैंने लाजवंती को इस वक्त हॉस्पिटल भेज दिया तो रेखा अपनी पहली चाल में कामयाब हो जाएंगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। वो तो चाहती है कि लाजो और खुदे करीब ना आए। और फिर कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, तभी लेकर जाऊंगा मैं लाजवंती को। लेकिन अगर उससे पहले जसवंत को कुछ हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पापा क्रिटिकल है, लाजवंती को तो वही होना चाहिए। क्या कर रहा है तू? जो जसवंत लाजो को देखकर खुश थोड़ी ना होगा, वो तो यही सोचेगा कि अपनी गृहस्थी बसाने के बजाय वो हॉस्पिटल चली है। मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रणवीर, समझदारी से काम ले। ऐसे भी अब रात बची कितनी है, सुबह होते ही लाजवंती को लेकर तो खुद हॉस्पिटल चले जाना। और लाजवंती क्यों, जसवंत के दामाद उदय को भी। हाँ यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। आप अभी तक यही हैं? क्या बात है? मैं बस आ ही रहा था। आप परेशान हैं? बस ऐसे मैं सोच रहा था रमा कि मैं कल सुबह लाजवंती को जसवंत के पास ले जाऊंगा, उसका भी मन कर रहा होगा जसवंत से मिलने का। आप जैसा ठीक समझे वैसा ही कीजिए, लेकिन अभी तो सोने चलिए। चलो। हे वाहे गुरु, हमारे पापा जी ने जल्द से जल्द चंगा कर दे।
जी वो सुबह सुबह भगवान को याद करना अच्छी बात है। मेरी तरफ से भी प्रार्थना कर लेना कि जसवंत जी जल्दी ठीक हो जाए। भगवान अच्छे लोगों की जल्दी सुनता है। दादी कहती हैं कि सच्चे मन से भगवान से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। कि आपके बाबूजी जल्दी ठीक हो जाए। जी मैं एक बात कहूँ? कहो। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि भगवान की प्रार्थना हमेशा नाथ होकर करनी चाहिए, वो भी सच्चे मन से। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर प्रार्थना, और उसके बाद हम दोनों नीचे हॉल में जाएंगे जहाँ सब लोग हमारा नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओके? उठो ना लीजा, नाश्ते के लिए नीचे जाना है। कम ऑन। अबे, what you doing? What am I doing? What are you doing? अभी तक सो रही हो। Come on, get up. वैसे तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन अब उठो। उठो ना, ऐसे नहीं सुनोगी। What you doing, Abhay? You see, Lisa, हमारे इंडिया में वाइफ को ऐसे जगाया जाता। Really? Yes. I like this custom. तुम मुझे रोज ऐसे ही जगाना। अच्छा। ये लीजिए। अब जल्दी से उठ जाओ। ब्रेकफास्ट के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। You mean for another ritual? ऐसे कुछ समझ लो। Come on, hurry up. Okay, I'm coming. अरे ये किसके लिए? ये हमारा यूएसए का कस्टम है। ये कस्टम तो मुझे अच्छा लगा। अरे कहाँ जा रही? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग दादा। चिंदारो चिंदारो पुत्र। सत श्री अकाल। खुश रहो बेटा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुखी रहो बेटा। ओ दे बेटा, अच्छा तुम आ गए। चलो तो हॉस्पिटल चलो। क्या हुआ? पापा जी ठीक तो है ना? बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। वो क्या ना, कल रात से जसवंत ने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें देखते ही वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब चलें। अपनी लाजों को देखेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पापा जी। अब इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हैं रणबीर भाई साहब? कम से कम ब्रेकफास्ट करके तो जाइए। नहीं रेखा, पहले जसवंत से मिल जाएंगे। ठीक ही तो है पुत्र, जसवंत जी की हालत जाने बगैर लाजवंती से कुछ खाया नहीं जाएगा और ना ही रणबीर से। तुम जाओ पुत्र, लेकिन हाँ, वहां जाने से पहले मंदिर होते हुए जाना। रमा, पुत्र जरा पूजा की थाली तो लेके आ। जी मम्मी जी। उदय, हॉस्पिटल पहुंचते ही मुझे फोन करना और बताना कि जसवंत अंकल कैसे हैं, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स अबे। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अबे बेटा। रणबीर भाई साहब तो जसवंत जी के बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छी देखभाल करना उनकी रणबीर भाई साहब। बहुत अच्छे इंसान हैं जसवंत जी, है ना रणबीर भाई साहब? ये लो बेटा, और जाते वक्त मत्था टेक के जाना। हम चलते हैं मम्मी जी। नैना जी,
नाश्ता लगा दिया पुत्र? बस 2 मिनट। चलिए जी आइए। नैना मेरा ब्रेकफास्ट मेरा रूम में भेज दो। ओके हनी, तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे तुमसे बात करनी है। ओके, टेल मी। क्या सोच के अपने कमरे में ब्रेकफास्ट मंगवा रही हो? लीजा, ये होटल नहीं है, घर है, घर। अगर मैंने अपने आप ब्रेकफास्ट रूम में मंगा लिया तो, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री ऑन मी? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं लीजा? वैसे ही घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम जानती हो जिस हालात में डैड ने हमें एक्सेप्ट किया है, उसके बाद तो हमें प्रॉब्लम्स अवॉइड करनी चाहिए। और तुम हो के देखो लीजा, आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट माई फैमिली। हम जैसे भी रहते हैं, जिस तरह से भी रहते हैं, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। ओके, कैन आई एक्सप्लेन नाउ? डार्लिंग, आई नो अबाउट योर फैमिली, बट जब तुम्हारा डैडी लाजवंती को लेकर चला गया विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट, सो आई थॉट वी कैन हैव ब्रेकफास्ट इन द रूम, दैट्स ऑल। देखो लीजा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे ये करने से दादा और दादी को अच्छा नहीं लगा होगा। रेखा चाची की बात अलग है लीजा, वो अलग तरह से सोचती है, शी वोंट माइंड ऑल दिस। देखिए दादा दादी माँ, तुम उनके सामने ये नहीं कर सकती। ये तो अच्छा है कि डैड घर पे नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। एनीवेज प्लीज लीजा, फॉर माई सेक जाके सबसे सॉरी कह दो, सिर्फ इसलिए ताकि और सिचुएशन खराब ना हो जाए। ओके लीजा प्लीज, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। ओके, अगर बात ओनली मेरा सॉरी बोलने का है तो आई विल डू इट, बट प्लीज हनी डोंट गेट अपसेट। ओके ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू एंड क्या नहीं करना है। बता दूंगा सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सबके साथ ब्रेकफास्ट खाने के लिए चले। कम ऑन। नो नो नो, लेट लाजो कम, देन वी कैन हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। एम आई राइट? यू आर राइट। वैसे मैं चाहता हूँ कि जसवंत अंकल जल्दी से ठीक हो जाए। आई ऑल्सो होप वो जल्दी से अच्छा हो जाए, उसके बाद विल गो फॉर हनीमून। क्या बात है, आज आप कुछ परेशान हो? चिंता की बात तो है ही ना, शादी के बाद पहली सुबह ही दोनों बहुओं को नाश्ते में हमारे साथ बैठ के नाश्ता करना चाहिए था। एक को रणबीर अस्पताल ले गया और दूसरी ने नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लिया। लाजवंती को तो जाना ही था, लेकिन दूसरी बहू तो हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लेती ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, कम से कम आज के दिन पर सब लोग ने मिलकर नाश्ता करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, रणबीर भाई साहब के बहू को तो हमारे घर के रीति रिवाज पता ही नहीं, और वहां तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट करो या अपने कमरे में। देखा, रणबीर और लाजवंती मजबूरी में अस्पताल में गए, और हां सवाल लीजा का, लीजा तो अभी अभी आई है, कुछ टाइम तो लगेगा ना हम लोगों के साथ एडजस्ट होने में। मम्मी जी क्या बात है, आज आपने नाश्ता ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं आपकी चाय यहीं लेकर आ गई। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। क्या बात है बाबू जी, मम्मी जी उदास है? तुम्हारे सास को ज्यादा सोचने की आदत है, छोटी छोटी बात लेके बैठ जाती है। घर जाने दो, ये बताओ कि अस्पताल से कोई खबर आई?
रणबीर ने फोन किया था जी? उनका कोई फोन तो नहीं आया बाबूजी, शायद सब ठीक ही होगा। लेकिन जसवंत भाई साहब की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहे, कह रहे थे कि ऐसे वक्त में लाजो को उनके साथ होना चाहिए। देखा रेखा, हमारा रणबीर गुस्से वाला जरूर है लेकिन सबके बारे में सोचता है, और लाजवंती भी अपने बाबूजी को मिलके खुश हो जाएगी, है ना? लेकिन कम से कम माता रानी के दर्शन तो करके जाता ना, ऐसे ही बहू को लेके चल दिया। ये तो अच्छा है कि उसे मैंने पूजा की थाली पकड़ा दी, कि कम से कम रास्ते में ही माता रानी के दर्शन करेगा और आशीर्वाद ले लेगा तो अच्छा ही होगा सब कुछ। मम्मी जी, रणबीर भाई साहब ने तो पंडित को भी बुलवाया था, शगुन भी निकलवाया था, और वो भी दोनों शादियों के लिए। लेकिन अब शगुन तो हो ही गया ना। रणबीर भाई साहब के जिद के वजह से अभय और लीजा की तो शादी हुई नहीं, अब कौन सा अपशगुन और कौन सा शगुन? मुझे तो इतना ही पता है मम्मी जी, आखिर होता वही है जो होना है। पुत्र, ये अपने अपने नजरिए की बात है, मैं तो दोनों ही बातें मानती हूँ, शगुन को भी और अपशगुन को भी। मामा जी, वो पापा जी। ओ या भाई, है तू, ओ तेरा ब्याह क्या हुआ, तू अपने पराए सब भूल गई? ओए हम भटिंडे वालों को बड़ा नाज था अपनी बच्चियों पर लानत है तुझ पर। ओ ससुराल जाकर तू मेरे जीजे को भूल गई? कैसी बातें कर रहे हो जी? आखिर बात क्या है, आप लोग कुछ तो बताइए। हम तो बाबूजी से अब कुछ नहीं रहा कहने को, वो सब खत्म हो गया पुत्र, सब खत्म हो गया।